स्वागत है। मैं निहारिका जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। रिटर्निंग अधिकारी ने बैठक लेकर दिए निर्देश। शहर पुलिस ने बैठक में महिलाओं को दी कानूनी जानकारी। बोनस की राशि एक मुश्त नगद दिलवाने की मांग। विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्यकारिणी की सदस्य जोशी का किया स्वागत। रोडवेज संयुक्त मोर्चे कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। रॉयल राजस्थान पब्लिक स्कूल में मनाया मिलन समारोह। अब समाचार विस्तार से। रिटर्निंग अधिकारी ने बैठक लेकर दिए निर्देश। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी रेवदर रामजी भाई कलबी ने पंचायत समिति सभा चुनाव में नियुक्त अधिकारी कार्मिकों को बैठक लेकर संवेदनशील होकर काम करने के निर्देश दिए। रिटर्निंग अधिकारी ने आदेश आचार संहिता का पालन करने हेतु नगर पालिका एवं सुपरवाइजर का निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ने शहर पुलिस ने बैठक में महिलाओं को दी कानूनी जानकारी। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति कानूनी सुरक्षा के तहत 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलाए जा रहे अभियान आवास का आगाज के तहत आज आबू रोड शहर थाने में थानाधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई द्वारा महिलाओं को कानूनी जानकारी दी गई। शहर थाने में आयोजित कार्यक्रम में थानाधिकारी विश्नोई ने महिला सुरक्षा अपने अधिकार एवं कानून के प्रति जागरूकता लैंगिक समानता महिला अपराधों में कमी युवाओं में नारी समान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद पूजा राणा अग्रवाल महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष शोभा गर्ग उपाध्यक्ष राधा सिंगल सहित सदस्य मौजूद थे। बोनस की राशि एक मुश्त नगद दिलवाने की मांग। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वेतन कटौती स्वैच्छिक करने की घोषणा पर आभार जताया तथा बोनस की संपूर्ण राशि एकमुश्त नगद दिलवाने की मांग की। संगठन के प्रदेश महामंत्री अरविंद कुमार व्यास तथा वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार शिक्षकों कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की गई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राज्य सरकार से निवेदन करता है कि पूर्व में शिक्षकों व कर्मचारियों को कुल तदर्थ बोनस 6,774 रुपए मिलता रहा है। राव के अनुसार संगठन सरकार से आग्रह करता है कि बोनस राशि एक मुश्त 6,674 रुपए नकद प्रदान करावे। शिक्षकों व कर्मचारियों को देय बोनस राशि GPF में नहीं जमा कर एक मुश्त नकद दिलवाने के आदेश पारित करावे तथा साथ में ही 16 दिन की स्थित वेतन का भुगतान कराने का आदेश जारी कर शिक्षकों को राहत प्रदान करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है ब्रेक का। नवरात्रि एवं दीपावली पर विशेष छूट। जन समय दे रहा है नवरात्रि एवं दीपावली पर विज्ञापनों में भारी छूट। अब जन समय न्यूज चैनल पर आपके दुकान प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों के विज्ञापनों में गिरावट। नवरात्रि एवं दीपावली पर निजी संस्थान प्रतिष्ठान दुकानों का विज्ञापन दीजिए और करिए आकर्षित। तो जल्दी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9587949393। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जोशी का किया स्वागत। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आबू रोड नगर इकाई द्वारा मध्य भारत प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सपना जोशी का आबू रोड आगमन पर स्वागत किया। नगर मंत्री उर्वशी देसाई ने बताया कि सपना जोशी का स्वागत स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भेंट कर किया। जोशी द्वारा नगर के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए बताया कि विद्यार्थी परिषद युवाओं के चरित्र निर्माण का आधार है। स्वागत कार्यक्रम में नगर मंत्री उर्वशी देसाई, नगर सोशल मीडिया प्रमुख नितेश सैनी, मंगल सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। रोडवेज संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठनों के संयुक्त आह्वान पर पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों द्वारा अपने बकाया भुगतान बोनस सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान रोडवेज के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम से आबू रोड के रोडवेज कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपने संयुक्त मोर्चा संघ के आह्वान पर पेंशन चेतन तथा दीपावली का बोनस व एग्रेसिया तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान समय पर नहीं होने के कारण राज्य सरकार व निगम प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी कर क्रोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष नारायण सिंह सोलंकी, सचिव हाजी सफी मोहम्मद सहित कर्मचारी मौजूद रहे।
रॉयल राजस्थान पब्लिक स्कूल में मनाया मिलन समारोह। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रॉयल राजस्थान पब्लिक स्कूल आबू रोड में दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में समस्त स्टाफ की उपस्थिति में मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। विद्यालय के चेयरमैन दीपक पाठक ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व हमारी संस्कृति में परिचायक है। दीपावली का पर्व अंधेरे में उजाले की जीत का प्रतीक है और कहा कि हमें बुराई अज्ञानता जैसे अंधकार का मिटाकर अच्छाई और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। इसके साथ ही विद्यालय के शिक्षकों ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया। शिक्षकों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम भी रखे गए जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम का समापन अल्पाहार और मिष्ठान वितरण के साथ संपन्न किया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसभा की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।